हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति हम कवर करेंगे। आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते रहते हैं। इस वीडियो में हम प्रथम व्यक्ति के बारे में कवर करेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, यहां से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पूरे कवर हो जाएंगे। गाइस, आपको बता दें हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्स होते हैं जिनके माध्यम से अपनी तैयारी को आप काफी अच्छा कर सकते हैं। एमपी करंट अफेयर की ईबुक है 2021 के, इसके अलावा एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज 2020 की भी ईबुक अवेलेबल है। एमपी जीके का स्पेशल कोर्स है, सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। बस पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी को पता ही है। सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, याद रखिएगा। और टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े वो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। आगे आने वाले समय में जितना भी आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा वो कहीं पर नहीं मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम को आप जरूर से आके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा रहेगा पंडित रविशंकर शुक्ल। कुछ क्वेश्चन इजी रहेंगे वो भी हम कवर करेंगे, बाकी आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ध्यान रखिएगा। सागर एमपी में इनका जन्म हुआ था और सीपी और बरार के भी ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखिएगा। काफी ज्यादा क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा सुश्री सरला ग्रेवाल, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और अगर मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल की बात करें तो वह है आनंदीबेन पटेल। और पहली भारतीय महिला कौन थी जो कि राज्यपाल थी, अन्ना रजम मल्होत्रा थी, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। मध्य प्रदेश की पूछे तो सुश्री सरला ग्रेवाल आपकी रहेगा, सेकंड नंबर पर है आनंदीबेन पटेल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हमारा मोहम्मद हिदायतुल्ला, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा कैलाश जोशी। ये मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। कैलाश जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो देवास के हाट पिपलिया तहसील के अंतर्गत आता था, यहीं पर इनका जन्म हुआ था, यहीं से ये जो है विधानसभा इनकी सीट थी, ऐसा आप याद रखिएगा। और गैस एक और चीज आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कब से कब तक रहे, 1977 से 1978 के बीच में ये एमपी के सीएम रहे हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति में इनको राजनीति के संत के नाम से जाना जाता है। इनका भी हाल ही में 2019 में निधन हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री का आपसे क्वेश्चन बना है, सही जवाब रहेगा उमा भारती। उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और अभी तक यही है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, क्योंकि इनके बाद में अब कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रही है महिला, तो पहली और आखिरी अभी तक यही है। 2003 में ये मुख्यमंत्री रही थी मध्य प्रदेश की, ध्यान रखिएगा। और कुछ कांड या कुछ इश्यूज हो गए थे उसके कारण उनको जो इस्तीफा देना पड़ा था इनके पद से, तो ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा श्रीमती सरोजिनी सक्सेना मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। प्रथम मुख्य सचिव थे मध्य प्रदेश के, सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा एच एस कामत। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा, ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। अगर महिला का आपसे पूछा जाएगा तो ये सही जवाब रहेगा निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे। विधानसभा अध्यक्ष हम कवर कर चुके हैं, पुंजीलाल दुबे थे। विधानसभा उपाध्यक्ष थे आपके, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु विनायक सरवटे इनका नाम है, वी सरवटे भी आप इनको बोल सकते हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म काफी ज्यादा यूज करता है व्यापम, तो विष्णु विनायक सरवटे क्वेश्चन आपका ध्यान रखिएगा, ये विधानसभा उपाध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के पहले। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। तो सबसे पहले विपक्ष के जो नेता थे इनका नाम है विष्णुनाथ तामस्कर। विष्णुनाथ तामस्कर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष के नेता कौन थी। वैसे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला थी जो कि विपक्ष से नेता थी, इनका नाम है जमुना देवी, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा एन वी लोहानी, ये जो है मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब रहेगा शीतला सहाय जो थी, ये राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थी मध्य प्रदेश की पहली। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा टी एन श्रीवास्तव, जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहे, ये राज्य सूचना आयुक्त थे मध्य प्रदेश के प्रथम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे। महानिरीक्षक यहाँ पे पूछा है, महानिदेशक नहीं पूछा है,
दोनों में काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, महानिदेशक और महानिरीक्षक में। तो देखिए पहले पुलिस महानिरीक्षक जो थे इनका नाम था बी जी घाटे। फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये पहले पुलिस महानिरीक्षक थे मध्य प्रदेश के, बी जी घाटे। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो अगर पहले पुलिस महानिदेशक थे बी पी दुबे, ये महानिदेशक थे, ध्यान रखिएगा। और आप अगर ऐसे याद रखना चाहें तो आप ऐसा कैसे याद रखेंगे, ये स्पेशली आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इसलिए आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए दोनों में रिलेट करना है आपको, महानिरीक्षक में और महानिदेशक में। तो देखिए महानिदेशक में ये दा आ रहा है आपका, निदेशक के बाद में नी के बाद में दा आ रहा है, और ये दुबे में भी दा आ रहा है आपका। तो इस हिसाब से याद रखिएगा, जिसमें दा आएगा उसका दा रहेगा सरनेम, तो दुबे हो जाएगा महानिदेशक का और महानिरीक्षक का हो जाएगा बी जी घाटे। ये ट्रिक हमने आपको बताई है याद रखने की ताकि आप कन्फ्यूज दोबारा से ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा श्री एम अधिकारी। एम अधिकारी जो है ये पहले महाधिवक्ता थे मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा पी वी दीक्षित, ये जो है मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब रहेगा प्रकाश चंद्र सेठी जो थे, ये मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, कुमारी आशा गोपालन थी, ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा डी वी रेंगे, ये एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है, और इनका नाम आपको बताना है अवनी चतुर्वेदी, हमारे यहाँ सही जवाब रहेगा। ये रीवा से संबंधित, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन इनसे बन चुका है पहले भी। मध्य प्रदेश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, ये मध्य प्रदेश के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष कौन है, सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा डॉक्टर दयाशंकर नाथ, ये जो है योजना मंडल के उपाध्यक्ष है मध्य प्रदेश के पहले। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी। तो इनका नाम आपको बताने निर्मला बुच, हमारे यहाँ से क्वेश्चन सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा गाइस अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी। मध्य प्रदेश की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल आपसे क्वेश्चन में पूछा है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा उर्मिला सिंह, और ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की ये थी प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। गाइस यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तियों से रिलेटेड टॉप 28 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और यहीं से ज्यादातर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बनते रहते हैं। सो इस वीडियो को आपको अगर पसंद आया है आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनके मदद से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में लेगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इन पर चल रहा है। और साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आए जिनकी एग्जाम अभी होना बाकी है उनके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के स्टूडियो में बस इतना गाइस, मिलते हैं हम एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।